बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलघट में तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक 10 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी, जिससे मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेश विसर्जन के दौरान यह सड़क हादसा हुआ, जिसमें बिरसा से दमोह की ओर जा रहे पिकअप वाहन चालक ने 10 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी, जिसके बाद एम्बुलेंस 108 की मदद से उसे अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर उसे रिफर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद बच्चे को रिफर हालत में एम्बुलेंस ने उसे फिर अस्पताल में ला लेकिन इसके बाद बच्चे को रिफर हालत में एम्बुलेंस ने उसे रिफर अस्पताल में ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि परिजनों के पास पैसे नहीं थे, जिससे वह निजी एम्बुलेंस करने में असमर्थ थे। ऐसे में परिजनों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए 108 एम्बुलेंस से बालक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बच्चे को रिफर अस्पताल ले जाने के लिए बच्चे के माता पिता के पास पैसे नहीं थे, जिस पर उसके माता पिता उसी वाहन से रिफर अस्पताल में ले जाने की मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस चालक नहीं माना, जिसको लेकर एम्बुलेंस चालक व परिजनों में आधा घंटे तक बहस चलती रही, बावजूद इसके कि एम्बुलेंस ने बच्चे को अस्पताल से रिफर अस्पताल ले जाने से मना कर दिया, जिसे देखकर निजी एम्बुलेंस चालकों ने आगे आकर बच्चों को अन्य अस्पताल ले जाया गया।